हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग की भर्तियां जोर शोर से चल रही हैं, उसी से रिलेटेड आपके लिए लेकर आए हैं एक नई अपडेट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जल शक्ति डिवीज़न जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है और जहाँ 79 पद भरे जाएंगे। जिला सिरमौर के जल शक्ति मंडल शिलाई राजगढ़ के अंतर्गत अंशकालीन आधार पर 79 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 20 पैरा पंप चालक, 10 पैरा फिटर व 49 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है, जिसके लिए 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी 1 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2022 शाम 5 बजे तक अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ के कार्यालय में अपना आवेदन केवल डाक के द्वारा भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर स्पीड पोस्ट कर देनी है अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ के कार्यालय में। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हर नई अपडेट सबसे पहले अपलोड कर दी जाती है। दोस्तों, इन भर्तियों की जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ ने बताया कि पैरा पंप चालक के लिए आवेदनकर्ता 10वीं पास और किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इन सब में से किसी एक का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और इसी प्रकार पैराफिटर के लिए आवेदनकर्ता 10वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर या प्लम्बर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बहुउद्देश्य कार्यकर्ता यानी मल्टीपर्पस वर्कर के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं पास होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पैरा पंप चालक व पैरा फिटर को प्रति माह 5,500 रुपये तथा बहुउद्देश्य कार्यकर्ता को 3,900 रुपये मिलेगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, हिमाचली प्रमाण पत्र की छाया प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र जो संबंधित उपमंडल अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया हो की छाया प्रति, सभी पदों से संबंधित अनुभव पत्र जल शक्ति विभाग PWD, CPWD या किसी PSU द्वारा या आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा, ऐसी एजेंसी जो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग को सेवाएं देती हो के संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र माने होगा। तो इसका मतलब दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इनके अलावा किसी अन्य इंस्टीट्यूट का मान्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पैरा पंप चालक व पैरा फिटर के पद के लिए संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया नवीनतम BPL प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदनों की छंटनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। छंटनी किए गए पैरा पंप चालक पैरा फिटर के कौशल परीक्षण व शारीरिक परीक्षण और बहुउद्देश्य कार्यकर्ता के शारीरिक परीक्षण के लिए अलग से बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इस सेशन में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और साथ में शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।